नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों और औरैया ज़िले के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने वाला हूं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको ऐसी ही तमाम जानकारियाँ आसानी से मिलती रहें। सत्रह सितंबर 1997 को इटावा जनपद की दो तहसीलों औरैया और बिधुना को काटकर एक नए जनपद का निर्माण किया गया था और जनपद के मुख्यालय के रूप में काकोर नामक कस्बे को चुना गया था। काकोर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर स्थित है, जो कानपुर महानगर से 105 किलोमीटर पश्चिम तथा इटावा जनपद मुख्यालय से 63 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में पंचाल राज्य का एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। यहां मराठों से लेकर अवध के नवाबों का भी राजपाट रह चुका है। औरैया जनपद का क्षेत्रफल 216 वर्ग किलोमीटर है। ये जनपद कानपुर मंडल का एक हिस्सा है। औरैया जनपद 4 जनपदों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। उत्तर में कन्नौज, दक्षिण में जालौन, पूरब में कानपुर देहात तथा पश्चिम में इटावा जनपद। औरैया जनपद को 3 तहसीलों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं: बिधुना, औरैया, अजीतमल। इन तीनों तहसीलों के अंतर्गत 7 विकास खंड आते हैं, जो इस प्रकार हैं: अरवा कटरा, बिधुना, सहार, अछलदा, अजीतमल, भाग्यनगर और औरैया। औरैया जनपद 2 लोकसभा सीटों इटावा और कन्नौज के अंतर्गत आता है। वहीं औरैया जिले में 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, जो इस प्रकार हैं: औरैया, बिधुना और दिबियापुर। 2011 के जनगणना के अनुसार इस जिले की कुल जनसंख्या 13,80,000 सर्वे की गई थी, जिसमें 7,40,000 पुरुष और 6,39,000 महिला जनसंख्या थी। जिले में प्रति 1,000 पुरुषों पर 864 महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात है। 16.98% आबादी शहरी क्षेत्र तथा बाकी आबादी गांवों में निवास करती है। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार जिले में 92.32% हिंदू व 7.49% मुस्लिम जनसंख्या रहती है। हिंदी व उर्दू इस जिले में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। गांवों में हिंदी बोली जाती है, जिसमें ब्रज भाषा की झलक देखने को मिलती है। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती किसानी पर ही आधारित है। औरैया से दिबियापुर मार्ग पर भारत की नवरत्न सरकारी कंपनियों में शुमार NTPC और गेल इंडिया लिमिटेड स्थित हैं। ये औरैया जिले के दिबियापुर का सौभाग्य है कि NTPC और गेल जैसी कंपनियां यहां स्थित हैं। दिबियापुर के विकास में NTPC और गेल का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। NTPC अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी कंपनी है। वहीं गेल इंडिया लिमिटेड देश की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है। इसके अलावा औरैया जनपद में छोटे छोटे कई उद्योग संचालित हैं, जो मुख्यतः कृषि पर ही आधारित हैं। यहाँ कोई बहुत बड़े बड़े उद्योग नहीं स्थापित हैं, जो लोगों को भारी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा सकें। हालांकि इस जिले में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाने की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यह जिला भारत के सभी बड़े शहरों से सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में रोजगार नहीं मिल पाने की वजह से लोग भारत के अन्य बड़े शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर होते हैं। औरैया जिले में खेती की दृष्टि से जमीन काफी उपजाऊ है। यहाँ लगभग सभी फसलों की खेती करना संभव है, लेकिन महंगे संसाधन, महंगे खाद बीज की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह यहाँ भी किसानों को लागत निकालना मुश्किल होता है।
दिनों दिन खाद बीज कृषि संसाधनों की महंगाई बढ़ती जा रही है, उस तुलना में फसलों के दाम नहीं बढ़ते, इसलिए किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। तमाम सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन किसानों की असली परेशानियों पर किसी की नज़र ही नहीं जाती। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये बातें बिल्कुल सही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। औरैया जनपद में दूध रेलवे स्टेशन स्थित हैं, जो देश के सभी प्रमुख शहरों द्वारा सीधे जुड़े हुए हैं। दिबियापुर औरैया जिले का एक महत्वपूर्ण शहर तथा नगर पंचायत है। इसको देवीपुर या दिव्यपुरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं औरैया जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थलों की। देवकली मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दक्षिण में औरैया तहसील में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा द्वारा करवाया गया था। यहाँ सावन के महीने में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ी देवी मंदिर। जगत जननी माँ दुर्गा को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर जिले में सभी देवी मंदिरों से पुराना है। यह मंदिर औरैया बस स्टैंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर फफूंद रोड पर स्थित है। गुरैया मंदिर। यह मंदिर प्राचीन वास्तुशिल्प कला के लिए जाना जाता है। भगवा काली मंदिर। देवी काली माता की यह प्राचीन मंदिर औरैया बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जिले में और भी कई ऐतिहासिक स्थान, मंदिर, मस्जिद मौजूद हैं। औरैया जिले की पृष्ठभूमि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से मजबूती से जुड़ी रही है, क्योंकि इसका वास्तविक इतिहास इटावा जिले का इतिहास ही है। इटावा में स्थित भरेहे किला आज भी इतिहास की तमाम घटनाओं को खुद में संजोए हुए खड़ा है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस को आप आसानी से देख पाएं।